दोस्तों मार्केट डेली में हम लोग देखेंगे कि 25 मार्च को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आप आगे तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली वो वीकली हो और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो रहते हैं, वो देखकर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि 25 मार्च को मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से। यहाँ पे निफ्टी 190 पॉइंट प्लस है, बैंक निफ्टी 189 पॉइंट प्लस है। तो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हम लोग आज देखेंगे कि मार्केट 25 तारीख के लिए कैसा था, लेकिन आज का मार्केट कैसा था ये भी देखेंगे। तो देखिए कि आज का मार्केट एक पॉजिटिव था, और जैसे कि आजकल मार्केट है, मैंने आपको कहा कि वॉलिडिलिटी ज़्यादा है, तो वो जो है कि ऊपर या नीचे भी उतनी रफ्तार से जाएगा। वॉलिडिलिटी का मतलब मैंने कल के वीडियो में समझाया भी है, यहाँ पे हम लोग वॉलिडिलिटी देखेंगे भी। देखिए आज का वॉलिडिलिटी 80 है और आज भी 11% बढ़ा था। तो मार्केट जैसे कि ऊपर और नीचे और भी जोर से जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कॉल और पुट के वॉलिडिलिटी भी बताता हूँ। जैसे कि एटीएम जो कॉल है उनकी भी अभी तक आईवी जो है A126 है, और यहाँ पे पुट की, यहाँ पे पुट की भी आईवी जो है कि 150 के करीब है। तो यहाँ तक अभी आईवी बहुत है, उसका मतलब क्या होगा कि मार्केट ऊपर या नीचे उतना ही जोर से जाएगा। दूसरा कि देखिए, मैं जब भी एजुकेशनल वीडियोज बनाता हूँ, जैसे कि कल का एक वीडियो था, एजुकेशनल भी था, इन्फॉर्मेटिव भी था, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, तो एक मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे वीडियो मुझे बनाने के लिए। तो वो जो वीडियो रहता है स्पेशल रहता है, वहाँ पे मुझे रिसर्च करना पड़ता है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो और भी ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। हम लोग देखेंगे कि निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे निफ्टी को पूरा। तो मैंने जैसा आपको कहा कि ऑलरेडी मार्केट इतना कि डेंजर मोड में चल रहा है, यहाँ पे नॉर्मल लोगों को ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग देखेंगे कल के हमारे जो लेवल थे, जैसे मैंने कहा था कि मोस्टली ये जो ये है कल का लो, तो कल का लो देखिए कि कल का लो ये जो है आज उसके नीचे मार्केट गया था, लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया। ऊपर वाले हमारे लेवल भी थे, उसमें से एक अच्छा लेवल था 7979। यहाँ पे देखिए परफेक्ट मार्केट वहां से जो है कि रिवर्स हुआ। तो ये भी एक लेवल इंपॉर्टेंस है जो मैंने कल भी दिया था। मैं इसको आज इंट्राडे में भी बता दूं आपको, एक ऐसे ही चला। तो यहाँ पे इंट्राडे में देखा था, तो देखिए मार्केट नॉर्मली एक की न्यूज डिराउंड है। तो जैसे कि आज एफएम आए थे 2 बजे, तो उसके वजह से भी मार्केट जो है कि यहाँ पे रिवर्स में मोमेंटम कर रहा है। दूसरा, आज प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, जैसे कि अभी तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शायद उसके दरमियान आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है कि जब भी मार्केट डाउन जाता है तो ऐसा स्टिमुलेट पैकेज लेके गवर्नमेंट आ जाता है। लेकिन ये एक जैसे बोलूँगा मैं कि टेम्पररी एडजस्टमेंट है, ये क्यों बोलूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है एक हेल्प करना ये अच्छी बात है, लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम है वायरस का वो सॉल्व होगा उसके बाद ही मार्केट रिकवर होगा। तो ये टाइम पे मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट भी कर सकता है। तो मेरे जो लेवल थे देखिए 7979, यहाँ पे मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हो गया, फिर भी ये जो अवेलेबल है देखिए यहाँ पे दोनों टाइम यहाँ पे रिवर्स ये करके यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो कल के लिए आपको इंट्राडे में मैं समझता हूँ ये नीचे वाले से लेवल से अच्छा ऊपर वाला जो है 7979 के ऊपर मार्केट जाके यहाँ पे सस्टेन होता है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। सेलिंग के लिए 7688 जो ये लेवल है उसके नीचे जाके अगर मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पे आप जो है कि निफ्टी को सेल कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं निफ्टी का चार्ट फिर से डेली में देखता हूँ, तो देखिए दोस्तों ऑलरेडी हमने बात किया था कि जब भी ए लोन के नीचे है मार्केट तो एक नेगेटिव है। ये जो हाई बना था इंटरमीडिएट 8898, अगर इसके ऊपर मार्केट जाके सस्टेन होके ऊपर जा रहा है तो यहाँ थोड़ा पॉजिटिविटी आ सकती है। तो लेवल यही रहेगा जब भी मार्केट पॉजिटिव होना है या फिर थोड़ा पॉजिटिव में जा सके। अभी ये स्टिमुलेट पैकेज या प्राइम मिनिस्टर कुछ बताएंगे, जो भी स्टिमुलेटेड पैकेज आ जाएगा उसका इम्पैक्ट कल और भी होने वाला है, तो ये पॉजिटिव साइड हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव मार्केट इसके ऊपर ही जाएगा तो ही उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा। तब तक तो ये जो लेवल जो है जितने भी आपको चार्ट पे दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले लेवल आपको दिया है, ये जो लेवल है
7978 उसके ऊपर जाएगा तो 8268 8555 ये जो लेवल है उसके ऊपर जैसे जाता है आपको एक बाइंग के मौके मिल सकते हैं। अभी ले भी मार्केट मुझे ये नहीं कि पूरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जस्ट जब भी डाउन साइड आते हुए मार्केट जब भी ऐसा कुछ न्यूज आएगा तो थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे उसमें आपको पॉजिटिव बेनिफिट लेना है जरूर ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं आज कुछ आपको स्टॉक बताऊंगा लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में एक बिल्कुल मेरा लेवल था 16381, यहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर से रिवर्स कर रहा है तो ये लेवल रहेगा। देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा कमजोर है, यहाँ पे कल बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए 17847 के ऊपर बाय कर सकते हो, सेलिंग के लिए ये लेवल रहेगा 16381 जो मैं कि वीकली पे ऊपर निकला है तो ये लेवल बहुत अहम रहेगा। तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी के ज़्यादा लेवल नहीं देते हुए हम लोग थोड़ा स्टॉक के बारे में देखेंगे। तो स्टॉक में मैं आज कुछ नया चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मार्केट जो है कि आज पॉजिटिव हो गया तो क्या कौन से स्टॉक ने मार्केट को ऊपर लेके गया, तो अब यहाँ पे अगर परसेंटेज चेंजेस ये देखोगे यहाँ पे देखो तो जो स्टॉक है जो पॉजिटिव है यहाँ पे ऊपर आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि ये जो स्टॉक है इन्फोसिस, उसके बाद अडानी पोर्ट ब्रिटानिया, तो इन्फोसिस का न्यूज था इसलिए ऊपर आया था, सेकंड एचयूएल का भी थोड़ा न्यूज था। लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखो तो जो भी स्टॉक है ये जो है कि आईटी एफएमसीजी से ये जो स्टॉक है कुछ बैंकिंग स्टॉक है और मोस्टली एफएमसीजी स्टॉक है इसमें लोग बाइंग कर रहे हैं। रिलायंस जैसे स्टॉक है प्लस ऑटो स्टॉक है यहाँ पे बाइंग होगी, जब भी मार्केट पॉजिटिव हुआ तो इसमें बाइंग होगी। इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर है या लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं ये स्टॉक के लिए वो लोग पॉजिटिव और उनको डिफेंसिव लग रहे हैं। डिफेंसिव मीन्स क्या, और पिटेंगे नहीं ऐसा उनको लग रहा है। इसमें से बहुत सारे स्टॉक है कि बहुत पिट गए या फिर वो पिटने के बाद भी अच्छा कंपनी इसलिए लोग रहे हैं। तो ये स्टॉक इससे हमसे पता चलता है कि ये स्टॉक बहुत पॉजिटिव है। उसके अपोजिट जो कि जो आज निगेटिव रह गए वो थ्रेडर्स है, जैसे कि उसमें से इंडस बैंक मैंने आपको पोर्टफोलियो में कहा था कि ये नहीं लेना है। आईटीसी कंपेयर टू एचयूएल आईटीसी मैंने कहा था कि नहीं लेना है कि उससे कंपेयर टू एचयूएल अच्छा है। तो देखिए कि वो रिफ्लेशन यहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ पे जो अच्छे स्टॉक है जैसे कि इन्फोसिस, हम लोग देखेंगे कि इन्फोसिस कौन से लेवल पे है। तो यहाँ पे इन्फोसिस एक पॉजिटिव न्यूज आया और इन्फोसिस अच्छा यहाँ पे रिवर्स आ गया। यहाँ पे देखिए कि हमको बड़ा बड़ा लेवल देखना चाहिए कि ना कि छोटा। अगर इन्फोसिस 617 के ऊपर जाएगा, अगर कल इंट्राडे में भी जाए तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। अडानी पोर्ट के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है ये इतना क्यों बाइंग हो गया। ब्रिटानिया डिफेंसिव स्टॉक है एफएमसीजी, ब्रिटानिया का लेवल है 2497 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हो। बजाज फाइनेंस थोड़ा ये ऐसे मार्केट में थोड़ा सा एक रिस्की हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी देखिए सब लोग बता रहे और बरोबर बात भी है कि अभी लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो लोन रिपेमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बजाज फाइनेंस अगर अच्छे लेवल पे है लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये रिस्की बेट है। एचयूएल ऑलवेज फेवरेट है और बहुत ही अच्छा स्टॉक है, तो यहाँ पे एचयूएल 2089 के ऊपर भी जाता है, इंट्राडे में आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा लेवल बता रहा हूँ, ना कि आपको करना चाहिए, आप खाली वॉच भी कर सकते हो। रिलायंस ऑलवेज रिलायंस बहुत अच्छी भाव में ये सब सस्ते में यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है पॉजिटिव है, कल अगर 969 के ऊपर जाता है इंट्राडे में तो इसमें बाइंग कर सकते हो। मार्केट फिर से ड्रैग होता है डाउन जाता है, 895 के नीचे इसको सेल भी कर सकते हो क्योंकि डोजी कैंडल में ये दोनों लेवल भी चलते हैं। नेक्स्ट मारुति, तो देखो ऑटो में अगर किसी में ये करना है तो मारुति अच्छा शेयर अच्छे भाव मिल रहे हैं इसलिए बताता हूँ। ये मैं पोर्टफोलियो के लिए बात कर रहा हूँ, ये और भी नीचे आ सकते हैं अगर मार्केट रिवर्स होगा। 4563 के ऊपर कल इसमें बाइंग के लिए देख सकते हो। एससीएल टेक का भी मीन्स अच्छा यहाँ पे बेस बना रहा है और इंट्राडे के लिए अगर मार्केट स्टेबल है तो 461 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हो। कोटक बैंक आईसीआईसीआई बैंक नेस्ले आईशान मोटर वीप्रो इधर तक ये जो शेयर मुझे लग रहा है कि जिनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप इस पर ट्राई करना चाहिए और एसआईपी की तरह ट्राई करो, ना कि मैं कल बोल रहा हूँ तो कल बाय करो और यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे नहीं है, और 2000 पॉइंट भी नीचे जा सकता है। मार्केट का जो है कोरोना वायरस से शुरू हुआ है
तो वो खत्म होगा तो उसके बाद ही वो चलेगा मार्केट, या फिर थोड़ा बेस बना रहा है, बेस बना रहा है तो अच्छा, मार्केट को बेस बनाने दो, उसके बाद धीरे से ऊपर जाने दो। इसके बीच में आप बोल नहीं सकते कि मार्केट का बॉटम कौन सा है। तो जो भी मैंने यहाँ पे शेयर दिख रहे हो यहाँ पे, तो बहुत सारे मेरे फेवरेट है, मैंने पोर्टफोलियो में बताया। इसमें से आपको शेयर SIP के टाइप मिलेगा। SIP मीन्स इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, जैसे मैंने मंथली SIP भी वहां पे बताया, तो वो टाइप से ले लो कि मार्केट का बॉटम फाइंड आउट करने का कोशिश मत करना। निफ्टी के लेवल जैसे बताए वैसे आप ट्रेड करते रहो। तो दोस्तों ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसे नहीं कि कल मार्केट ऐसे ही चलेगा। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।